दोस्तों एक पीसी बिल्ड की बात आती है तो खासकर हम इंडियन सबसे पहले अपने दिमाग में जो एक बात सोचते हैं वो होता है बजट। तो सब हम लोग कम से कम बजट में सबसे अच्छा पीसी बिल्ड करने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ 25K के अंदर एडिटिंग प्लस गेमिंग सीपीयू लाया हूँ। हाँ दोस्तों, एडिटिंग प्लस गेमिंग, और यहाँ पे आप गेमिंग 1080p हाई सेटिंग में अच्छा से कर सकते हो, और मैं इसका बेंचमार्क भी दिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मैं हूँ दोस्त आईडी और आप देख रहे हैं टेक गली। तो चलिए शुरू। दोस्तों अब कंपोनेंट की ओर चलते हैं। यहाँ जो प्रोसेसर में यूज़ करने वाला हूँ वो इंटेल के तरफ से आने वाली i3 9th generation, हाँ दोस्तों 9th generation, जिसका मॉडल है 350KF। हाँ दोस्तों ये गेमिंग प्रोसेसर है। हाँ ये मैं ये नहीं कहूँगा कि हार्ड गेम को भी बहुत अच्छा से चला लेगा, हाँ पर ये मीडियम सेटिंग में चला सकता है। तो यहाँ प्रोसेसर में 4 कोर 4 थ्रेड है, जो कि हाँ ये थोड़ा अपवर्ड लग रहा है सुनने में, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा इसका बेंचमार्क जो कि 4.1 GHz पर बेस्ड है। दोस्तों इस पर आप ओवरक्लॉक कर सकते हो लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर, जो कि है मदरबोर्ड। मैं जो मदरबोर्ड यूज़ किया वो है बायोस्टार का। दोस्तों ये मदरबोर्ड बहुत अच्छा और बहुत कम दाम पे मिला है, आप ये देख सकते हो, और इस पर M.2 NVMe 2 का सपोर्ट है। ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है और मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। अब बात आता है रैम का। यहाँ रैम में जो यूज़ करने वाला हूँ वो 8GB है, जो कि कंसिस्टेंट के तरफ से आता है, जो कि 3200 MHz पर भेज है। दोस्तों हाँ मैं क्रूजर भेंजार का नहीं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा था, इसी कारण मैं कंसिस्टेंट का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों आप स्मार्ट मानो बहुत अच्छा ये है, अब आगे मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। और यहाँ जो मैं स्टोरेज यूज़ करने वाला हूँ वो है 120GB SSD, जो कि कंसिस्टेंट की तरफ से आता है, जो कि 6 GB/s प्रोवाइड करने का वादा करता है। अब आगे वो देख भी लेंगे। अब आता है जो मेन कंपोनेंट जिससे आप एडिटिंग और गेमिंग कर सकते हो, ग्राफिक्स कार्ड। दोस्तों मैं ग्राफिक्स कार्ड जो यूज़ करने वाला हूँ GeForce की तरफ से आने वाला GTX 710। हाँ दोस्तों मुझे पता आप लोगों से बहुत लोग कहोगे तूने ये की यूज़ किया, 1030 यूज़ करता था, 730 यूज़ कर सकता था, पर मुझे सस्ता पड़ा, काफ़ी सस्ता, और ये भी कोई ख़राब नहीं, आपको मीडियम क्वालिटी प्रोवाइड कर ही सकता है। तो मैं उसका बेंचमार्क आपको दिखाने ही वाला हूँ। और आप लास्टली यहाँ बात करते हैं कैबिनेट का, तो कैबिनेट में ज़्यादा RGB लाइट वाला ये सब वाला नहीं लिया हूँ, सस्ता लिया हूँ 1300 का वो, जो कि उसके साथ मुझे पावर सप्लाई मिला। तो कॉम्बिनेशन आप नेट पर सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख भी सकते हो। अब बढ़ते हैं बेंचमार्क्स की। तो दोस्तों आप इसका ग्राफिक्स देख सकते हो कितना बवाल लग रहा है, रुको मैं आपको फुल व्यू दिखाता हूँ। जा देखो ये देखो। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।